खबरें हिंदी टीवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रमेश सिंह ठाकुर के बारे में, जो कि बीजेपी पार्टी से है और इनका चिन्ह चुनाव कमल है। बीजेपी को लगता है मौलाना के फतवों से डर। रमेश सिंह ठाकुर का ये कहना है कि हमारी जीत तो पक्की है भारी बहुमत से, लेकिन अगर वोटिंग से पहले किसी मौलाना ने मस्जिद में ये ऐलान कर दिया कि बीजेपी को वोट ना दे तो हमारी 50% वोटर्स हमारे अपोजिट पार्टी को वोट दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी हार हो सकती है। आइए देखते हैं रमेश सिंह ठाकुर का क्या कहना है। सर, ये तो आप बार बार फतवा के ऊपर बोल रहे हैं, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है ये? ये देखो, मुझे नहीं मालूम है, कुछ चीजें मैं सुनने में आती है कि भाई ये नहीं होगा तो मस्जिद से ऐलान, मतलब ये डिक्लेयर मौलाना करेंगे किसको वोट करना है कि हम तय करेंगे कि हमारा डेवलपमेंट कौन देखा है? वो लोग बोलते हैं। आपको ये किसने कहा ऐसा? आपने कब सुना था? मैंने सुना। आपने सुना है ये डिक्लेयर मौलाना तो नहीं करते, जैसे लखनऊ में चला था। लखनऊ में मतलब ये प्रैक्टिकली हो चुका है कि मौलाना ने कहा कि वोट हमें नहीं देना है? किसको? पार्टी वाइज कहा गया है किसी को? किसी को कैंडिडेट है पार्टी वाइज, वो चीज है खाली, वो आप लोग देख उसको जरा एक्सप्लेन करके बताएंगे सर। नहीं, हम नहीं चाहेंगे, पब्लिक खुद ही विश्वास समझदार है, पब्लिक समझ ले। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम कि फतवा क्या होता है। नहीं मालूम तो चैप्टर क्लोज कर दो उसको। नहीं, आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। नहीं, हमें आपको मालूम है उसको क्या होता है। अरे, किसी को मालूम करने के लिए? अरे, संस्था में कोई भी संस्था ही रहता है, सभी लोगों के गुरु जी। अगर वो किसी को आशीर्वाद दे तो भाई ठीक है, आप लोग इनको वो चीज़।